लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एक फंक्शन f, इफ दिस f इज डिफरेंशिएबल, अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f इज डिफरेंशिएबल किसी पॉइंट a पर, तो हम देख पा रहे थे कि ये फंक्शन क्या होगा, f इज कंटिन्यूअस ऑल्सो, ये कंटिन्यूअस भी होगा उस पॉइंट पर एट x इक्वल टू। और हमने एक एग्जांपल देखा था जो कि फंक्शन कंटिन्यूअस था लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं था, तो हम ऐसे एग्जांपल हम देखते हैं कि अब बात आती है कि कौन से फंक्शन जो कंटिन्यूअस हैं डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, उनका ग्राफ कैसा होगा, कैसे दिखेंगे। तो मैं यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन देखते हैं, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन जो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब वो किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उस एक पॉइंट पर उनका बिहेवियर कैसा होगा, उनका ग्राफ कैसा होगा, इस बारे में देखते हैं। तो एक चीज हमने पहले नोटिस करी थी कि मॉड एक्स जो है वो क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं था और उसका ग्राफ कैसा था, इस तरह वो एक कॉर्नर एक पॉइंट सा वर्टेक्स सा बनाएगा। तो नंबर एक चीज, अगर इस तरह का कोई ग्राफ है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा, कुछ कल हमने कुछ एग्जांपल करे थे मॉड एक्स, मॉड साइन एक्स, साइन मॉड एक्स, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में। तो मॉड साइन एक्स किस तरह से था, मॉड साइन एक्स कुछ ऐसा ग्राफ था। फिर से यहाँ पर हम देख पाएंगे कि ये देखो ये वाला पॉइंट पर फिर कॉर्नर आ गया, यहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये क्या था मॉड साइन एक्स, अगर ग्राफ इस फॉर्म का होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। किस पॉइंट पर, केवल इस पॉइंट पर, बाकी जगह ये डिफरेंशिएबल है, इधर ये डिफरेंशिएबल है, इधर इधर डिफरेंशिएबल है, इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चेक करना है, इसको चेक करिए कि मॉड साइन एक्स जीरो पर, यहाँ पर पाई पर, इन जगह पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके अलावा कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कुछ इस तरह से, इस पॉइंट पर इसका टेंजेंट कुछ इस तरह, एक मिनट थोड़ा सा, ऐसे पॉइंट जहां पर टेंजेंट एक वर्टिकल लाइन आ रही, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इनके सब अलग अलग नाम है, अभी हम इस बारे में नहीं जाएंगे, वो किसी दूसरी क्लास लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं। ये बात आती है इनको कस्प नोड और कंजुगेट पॉइंट्स, इनके नाम है, इसके बारे में हम किसी और क्लास में बात करेंगे। लेकिन हम यहाँ से देख पाएंगे कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है उनका ग्राफ कुछ इस फॉर्म का होगा, कुछ ऐसा। ये तो बात रही कि किस तरह से नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन दिखते हैं। कल हमने एक प्रॉपर्टी, इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी देखी थी, फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस होगा। और इससे पिछली क्लास में जब हम कंटिन्यूस फंक्शन बात कर रहे थे, हमने उसके अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज की बात करी थी कि दो फंक्शन जो कंटिन्यूस हैं किसी एक पॉइंट पर, उनका सम कंटिन्यूस होगा, उनका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस कंटिन्यूस होगा, प्रोडक्ट कंटिन्यूस होगा, और अगर क्वेश्चन डिफाइन करते हैं तो वो भी कंटिन्यूस होगा। और वही बात है, यहाँ पर भी देखते हैं क्या वो सब यहाँ भी होल्ड करता है, यहाँ भी ट्रू है कि नहीं है। तो अब हम देखते हैं अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शन। अल्जेब्रिक properties of
डिफरेंशिएबल फंक्शंस तो अल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज का मतलब मेरे पास जो फंक्शन है एफ एंड जी फ्रॉम आई टू आर वेर दिस आई इज ओपन इंटरवल दिस इज ओपन इंटरवल एंड ओपन इंटरवल दिस आई इज एन ओपन इंटरवल एंड वी हैव टू फंक्शन हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी दो फंक्शन है एक ओपन इंटरवल आई से रियल नंबर लाइक ठीक है अब हमने इनके सम की बात करनी है हमने क्या पूछना है और ये फंक्शन हम जानते हैं ये दो फंक्शन है और विद साथ में क्या ले रहे हैं एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल ये दोनों किसी एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए अगर ऐसा होता है इफ एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू ए ये कहां पर होगा ये पॉइंट दिस ये ओपन इंटरवल में होगा आई में नंबर पहला क्वेश्चन एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या ये डिफरेंशिएबल होगा आंसर है यस ये डिफरेंशिएबल होगा और इसका जो डेरिवेटिव है एफ प्लस जी डैश वो होगा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स दूसरा क्या इनका डिफरेंस डिफरेंशिएबल है इसका भी आंसर है यस और वो कितना होगा क्या होगा ठीक है देखो यहां से ऐसे ऐसे ऑपरेशन को जो ऑपरेशन प्लस को प्लस में भेज रहा है माइनस को माइनस में जो भेज रहा है ऐसे हम लीनियर इनको लीनियर ऑपरेटर कहते हैं लीनियर फंक्शन ये डिफरेंस यहां से हमें पता चला कि ये जो डेरिवेटिव है वो लीनियर फंक्शन है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर अलजेब्रा का टर्म है लीनियर अलजेब्रा का टर्म है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो डिफरेंशिएशन इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इससे बात पता चली और इसके अलावा एक और कंडीशन है क्या अगर मैं अपने इस फंक्शन एफ को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ कांस्टेंट सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्या होगा तो ये आता है सी ऑफ एफ डैश एक्स ये पार्ट इजी है ये इजी पार्ट है ये आप लोग प्रूव करेंगे दिस इज इजी ये इजी है सो डू इट ये होमवर्क पार्ट और हमने कंटिन्यूटी में देखा था ये वाला पार्ट इजी है ये हम इजीली कर पाएंगे तो ये आप लोगों के लिए है लेकिन इनका प्रोडक्ट वाला पार्ट वो थोड़ा सा वो इजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है देखते हैं कैसे करते हैं प्रोडक्ट वाले पार्ट को हम लोग यहां पर करेंगे फॉर्मूला मोर ऑर लेस आप सब लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है दो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ जी डैश दो फंक्शन का प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन एफ और जी दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट लिया और उसको डिफरेंशिएट करते हैं फॉर्मूला सबको मालूम है आप लोग सब जानते हैं एट अ पॉइंट एक्स हम एट सम एक्स इक्वल टू सी पर हम इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये क्या होगा एफ डैश सी ओके इसको साथ में लिखेंगे एफ डैश एक्स जी एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स और इसको डिफरेंशिएट के यहां पर कर रहे हैं एक्स इक्वल टू सी पर इसे लिबनिट्ज फॉर्मूला कहते हैं इसका नाम है लिबनिट्ज फॉर्मूला
इसको प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हमें बाय डेफिनेशन चलना पड़ेगा, हमारे पास दो ये फंक्शन है जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और किसी एक पॉइंट सी पर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, और वो डिफ्रेंशिएशन के बाद ये आना चाहिए। देखते कैसे करते हैं। अब प्रूफ, हम सब जानते हैं, अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा, डिफरेंशिएशन करने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर हम लोग डिफरेंस कोशेंट का लिमिट निकालते हैं। डिफरेंस कोशेंट क्या है इस केस में? डिफरेंस कोशेंट क्या होगा? एफ जी ऑफ c प्लस h माइनस एफ जी ऑफ c डिवाइड बाय h, ठीक है। और ये क्या बनेगा बताइए? ये प्रोडक्ट है। हमने लास्ट लेक्चर में अपने एक पहले लेक्चर में देखा था एफ डॉट जी एक्स इक्वल टू होता है एफ एक्स डॉट जी एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या मिला? एफ ऑफ सी प्लस एच इंटू जी ऑफ सी प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी डिवाइड बाई एच, ठीक है। यहां आगे क्या मिलता है देखते हैं। अब यहां पर एक ट्रिक है, यहां पर क्या करना है, इधर एक ट्रिक है, बहुत इजी सी ट्रिक है जो आप लोग करते हुए आए हैं पहले से, जी सी प्लस एच। हम यहां पर एक टर्म ऐड करेंगे और उसी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो टर्म है क्या? एफ ऑफ सी जी ऑफ सी प्लस एच, ये हमने सब्ट्रैक्ट करा, इसी को हम ऐड कर देते हैं, एफ ऑफ सी जी ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी इंटू जी ऑफ सी डिवाइड बाय एच। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर g ऑफ c प्लस h कॉमन लो तो क्या मिलेगा? f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c इंटू g ऑफ c प्लस h, यहां पर fc कॉमन है, प्लस f ऑफ c, ये बना g ऑफ c प्लस h माइनस g ऑफ c, ठीक है, डिवाइड एच है। तो मैं इस एच को इस तरह से लेता हूं, डिवाइड बाय एच यहां पर, डिवाइड बाय एच यहां पर, ठीक। अब तुम लोग समझ गए होगे किस तरह से करना है। देखो हमारा फंक्शन एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल थे, तो इसका मतलब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस भी हैं एट एक्स इक्वल टू सी। अब मेरे को इस डिफरेंस क्वेश्चन में लिमिट लगाने, लिमिट एच गोज टू जीरो, तो लिमिट एच गोज टू जीरो जब मैं अप्लाई करूंगा, ये वाला पार्ट लिमिट एच एच गोज टू जीरो, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है सी पर, ये एफ डैश सी होगा, क्योंकि जी कंटिन्यूस है सी पर, लिमिट एच एच गोज टू जीरो ये वाला पार्ट जी सी होगा। ओके, ये एफ सी है और वो एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो वहां एच से फ्री है, ये दिस इज फ्री फ्रॉम एच, ये वाला पार्ट एच में, यहां पर एच पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये एफ सी रहेगा, और ये वाला पार्ट क्या है? जी डैश सी, ठीक है। तो मेरे को यहां से क्या मिला? मुझे यहां से मिला, देखिए जो यहां से मिला, अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूं, नाउ अप्लाई लिमिट, इस पार्ट में अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूं, लिमिट एच गोज टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ जी सी डिवाइड बाय एच, ठीक है। इधर से देखा तो ये मुझे मिला लिमिट एच गोज टू जीरो
ये पार्ट आया एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाय एच एंड लिमिट एच गोज टू जीरो जी ऑफ सी प्लस एच साथ में प्लस लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ सी एंड लिमिट एच गोज टू जीरो जी ऑफ सी प्लस एच माइनस जी ऑफ सी डिवाइड बाय एच ठीक है। अब देखते हैं बिकॉज क्योंकि हमारा फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल था सी पर तो ये चीज आएगा एफ डैश सी क्योंकि ये फंक्शन जी कंटिन्यूअस है क्योंकि फंक्शन जी कंटिन्यूअस है तो ये आएगा जी ऑफ सी प्लस ये फंक्शन सॉरी ये वाला पार्ट ये एच से इंडिपेंडेंट है यहां पर एच नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। और फिर से जी क्या है जी डिफरेंशिएबल है सी पर पार्ट जी डैश सी आ गया तो यहां से हमें मिला देखो कंपेयर करो एट एक्स इक्वल टू सी दिस इज एफ डैश सी जी सी प्लस एफ सी जी डैश सी। सो हम प्रूव कर पाए क्या प्रोडक्ट फॉर्मूला इसी को लिप्निट्ज़ रूल भी कहते हैं ठीक। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमने प्रोडक्ट के लिए देखा इसके बाद हम कोशेंट के लिए देखते हैं। सो ये हमें गिवन है एफ इज डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए से एट एक्स इक्वल टू ए डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ इज नॉट इक्वल टू जीरो इन आई देन दिस हैपेंस। मैंने बोला कि यहाँ पर एक हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे कंटिन्यूस फंक्शन की वो प्रॉपर्टी क्या है बहुत इजी सी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन क्या कहती है वो कहती है इफ अगर एफ कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसी पॉइंट ए पर और साथ में क्या है एफ ऑफ ए नॉन जीरो है तो हमें हमेशा एक इंटरवल मिलेगा देन देयर एग्जिस्ट एन इंटरवल कैसा इस फॉर्म का इंटरवल मिलेगा सच दैट एफ ऑफ एक्स इज नॉन जीरो फॉर ऑल एक्स इन दिस इंटरवल। इससे देखें क्या कहती है ये प्रॉपर्टी ये कहती है कोई फंक्शन एफ कंटिन्यूस है किसी एक पॉइंट ए पर और उस पॉइंट ए पर एफ की वैल्यू नॉन जीरो है तो हमें हमेशा एक इंटरवल मिलेगा ओपन इंटरवल ए माइनस एप्सिलॉन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर्म का जहां पर वो फंक्शन नॉन जीरो होगा ठीक है। इसको प्रूव कर लेते हैं इसका प्रूव कर लेते हैं इजी सी प्रॉपर्टी है देखो एफ ए नॉन जीरो है इसका मतलब या तो एफ ए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो हम एक पार्ट मान लेते हैं एज्यूम एफ ए इज पॉजिटिव एज्यूम एफ ए दिस इज पॉजिटिव हमें प्रूव करना है कि एक ऐसा एप्सिलॉन लाना है जहां पर ये पार्ट हो रहा हो ठीक है। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो फॉर गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव अब मैं वो एप्सिलॉन वहां यूज करें तो मैं यहां पर एप्सिलॉन वन लिखता हूं ठीक है गिवन एप्सिलॉन वन पॉजिटिव मुझे क्या मुझे एक डेल्टा मिलेगा सच दैट ऐसा होगा एफ एक्स माइनस एफ ए
this is less than epsilon 1 whenever x minus a less than delta 1. ठीक है, अब देखते हैं इस मॉड का यूज करते हैं. ये मॉड, ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ए दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड, ये प्रॉपर्टी होती है मॉड की. ठीक है, ये वेरीफाई करना है, ये आपका काम है, ये वाला पार्ट वेरीफाई करो, वेरीफाई करो. ठीक है, और क्योंकि मैंने एफ ए को पॉजिटिव लिया है, मैं यहां पर चूज कर सकता हूं, मैं खुद दे सकता हूं एप्सिलॉन 1, और मैं एप्सिलॉन 1 को मैं चूज करता हूं थोड़ी देर के लिए. एप्सिलॉन 1 को क्या चूज करता हूं मैं, एफ ऑफ ए बाई टू. अगर मेरा एफ ए पॉजिटिव है तो एफ ए बाई टू भी पॉजिटिव होगा, तो मैं एप्सिलॉन 1 ये दे रहा हूं. ठीक है, दिस इज लेस देन एफ ए बाई टू. ठीक है, ओके, थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी यूज ना करके हम कुछ और प्रॉपर्टी यूज करते हैं, देखते हैं. इसको यूज नहीं करेंगे. ठीक है, हम क्या यूज करते हैं, देखो ये वाला पार्ट यहाँ से आया, एफ एक्स माइनस एफ ए मॉड लेस देन एफ ए बाई टू. ठीक है, अब देखो यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये यहाँ पर ये यूज करते हैं. इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज सेम एज एफ ए बाई टू माइनस इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एफ ए बाई टू, मैं ये यूज कर सकता हूँ. ठीक है, दिस इज सेम एज दिस, ये दोनों सेम है. अब मैं इस एफ ए को दोनों साइड ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताइए. ये एफ ए इधर आया, एफ ए माइनस एफ ए बाई टू, दिस इज एफ ए बाई टू, दिस इज अगेन एफ ए बाई टू, and which is less than this fx, which is less than fa by. ठीक है, और ये fa by 2 क्या था, ये fa by 2 पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और ये किस केस में हो रहा है, इस केस में हो रहा है, x minus a del, this happens whenever the 0, whenever when this x minus a is less than delta 1. ठीक है, तो मुझे एक इंटरवल मिला, कौन सा मुझे इंटरवल मिला, कौन सा, a माइनस डेल्टा 1 कॉमा a प्लस डेल्टा 1. जब भी मेरा x इधर है, f ऑफ x पॉजिटिव है, तो वही चीज प्रूव हुआ, एक पार्ट प्रूव हो गया इसका. देखो, जब भी f ऑफ a पॉजिटिव है, f ऑफ x इस इंटरवल में पॉजिटिव होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव होगा कहने का मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट जीरो है, सेम पार्ट नेगेटिव के लिए. अगर ये नेगेटिव है, यही चीज करेंगे, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा इस रीजन में, एफ ऑफ एक्स इस इंटरवल में एफ ऑफ एक्स नेगेटिव आएगा. तो कहने का मतलब अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, तो हमें एक इंटरवल मिलेगा जहां पर एफ एक्स पॉजिटिव होगा, दूसरा पार्ट जहां पर एफ ऑफ ए जब नेगेटिव है, तो हमें एक इंटरवल मिलेगा जहां पर एफ ऑफ एक्स निगेटिव होगा. ठीक है, तो यहां पर हमारा एफ ऑफ ए नॉन जीरो था, तो इसके मतलब एक हमें इंटरवल मिलेगा जो जहां पर एफ ऑफ एक्स नॉन जीरो होगा. ठीक है, तो उस पूरे इंटरवल पर एफ, ये वाला पार्ट डिफाइन हो जाएगा, वन अपॉन एफ एक्स डिफाइन हो जाएगा. तो ये हमने इसलिए कहा क्योंकि ये डिफाइन किसी एक इंटरवल में, ओपन इंटरवल में डिफाइन होना चाहिए. ठीक है, हम तभी डिफरेंशियबिलिटी की बात कर पाएंगे. ये ए पर डिफाइंड था क्योंकि एफ ऑफ ए नॉन जीरो था, अब वो उसके किसी इंटरवल में भी डिफाइंड होगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है. ठीक, अब आते हैं इसके प्रूफ में. प्रूफ फिर से बहुत इजी है, वो हम लोग अब आदि हो गए उस प्रूफ के. बहुत इजी है, हम ए प्लस एच पर देखें तो डिफरेंस क्वेश्चन क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, ये डिफरेंस कोशेंट है.
इसको हम लेते हैं, कंसीडर दिस थिंग, और यहां से क्या मिलेगा बताइए, ये मिलेगा f of a माइनस f of a प्लस h डिवाइड बाय h, और साथ में मिला f of a प्लस h इंटू f of a, ठीक है, ठीक। तो लिमिट का यूज करो, अब इसमें लिमिट हमने यूज करी है, लिमिट h गोज टू जीरो, लिमिट h गोज टू जीरो। देखो ये वाला पार्ट क्या है, यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h गोज टू जीरो माइनस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय h, ठीक है, और साथ में इसकी लिमिट क्या है, वन अपॉन, ये नॉन जीरो है इस पार्ट में, ये नॉन जीरो, हमने यहां से देखा ये h बहुत करीब जाएगा तो ये नॉन जीरो हो जाएगा। सो लिमिट एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच, ये वाला पार्ट एच से फ्री है तो मैं इसको एफ ए लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं एफ ए लिख देते हैं, ठीक। तो देखो क्या मिला, दिस इज माइनस, ये एफ डैस ए, ये एफ डिफरेंशियबल है एट ए, दिस लिमिट एफ डैस ए, दिस इज एफ डैस ए, ये वाला पार्ट एक है, और दूसरा पार्ट क्या है, वन अपॉन दिस एफ इज कंटिन्यूस एट ए, क्योंकि डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एच एच गोज टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ए, एफ ए इंटू एफ ए एफ स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू माइनस एफ डैश ए अपॉन एफ स्क्वायर ए, ठीक है। तो हमने रेसिप्रोकल वाली बात कर ली है, अब बात आती है दो फंक्शन का क्वेश्चन क्या होगा, और वो तुम जानते हो क्वेश्चन रूल, उसको प्रूफ हम प्रोडक्ट रूल से कर पाएंगे, जी पी ए डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल टू ए, और साथ में इफ जी फ्रॉम आई टू आर, ओके इसी पार्ट में मैं दोबारा लिख देता हूं, इफ जी फ्रॉम आई टू आर एंड दिस बी टू डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए, टू डिफरेंशियबल फंक्शन, ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, जी एंड एफ आर टू डिफरेंशियबल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए एंड एफ ए इज नॉन जीरो, देन दिस एट एक्स इक्वल टू ए दिस इज गिवन बाय जी डैश एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है, प्रूफ बहुत इजी है, अब तुम जानते हो जी एक्स का डेरिवेटिव, अब इसको इस फॉर्म में ले लो वन अपॉन एफ एक्स, ये एक फंक्शन है ये दूसरा फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल तुम्हें मालूम है, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अभी हमने पढ़ा है, और वहां से हम इजीली कैलकुलेट कर देंगे दिस इज इक्वल टू जी डैश एक्स एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स जी एक्स अपॉन एफ स्क्वायर एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू दिस यूजिंग प्रीवियस टू थ्योरम्स, सो ओके। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी जिसका हम प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन उसको देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ लेंदी भी है और थोड़ा इन्वॉल्विंग भी है, उसको कहते हैं चेन रूल। चेन रूल और
यूज होता है कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन में. कल हमने देखा था पिछली लास्ट क्लास में क्या बोले थे हम, अगर फंक्शन दो फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूस हैं, एफ ए से बी में, जी फ्रॉम बी टू सी, हमने देखा था एफ ए पर कंटिन्यूस है, जी एफ ए पर कंटिन्यूस है, तो जी एफ कंटिन्यूस होगा ए टू ए. ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हम इन जनरल चल रहे हैं, एफ आर टू आर चलते हैं, जी भी आर टू आर है. ठीक है, मैं ऐसे ले रहे कि जी ओ एफ डिफाइंड हो. दीज आर टू फंक्शन इफ एफ एन जी वी दीज आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन देन g o f dash at x this is given by g dash of f x to f dash of x. इसको हम चेन रूल कहते हैं. इसको इसका प्रूफ अभी नहीं करेंगे लेकिन इस पर बेस्ड एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल है टेक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. टेक एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अब ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है साइन एक्स और एक्स स्क्वायर. यूज करते हैं ये वाला. इसको यूज करने पर पहले हम देखते हैं साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये साइन ऑफ पहले साइन का डेरिवेटिव होगा देन एक्स स्क्वायर इज इट देन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन. तो यहां पर मान लेते हैं लेट जी एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स. अभी एच ऑफ एक्स कितना एक्स स्क्वायर देन दिस इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर. ठीक है, यूज करो ये फॉर्मूला. एफ डैश एक्स इज गिवन बाय जी ऑफ एच डैश एक्स विच इज इक्वल टू बोलो जी डैश ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स. पहले जी का डेरिवेटिव एच एक्स और फिर एच का डेरिवेटिव. यहां से जी का डेरिवेटिव क्या है बताइए? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है बट एच एक्स एच एक्स हमारा एक्स स्क्वायर है कॉस एक्स स्क्वायर और एच डैश एक्स मतलब एच का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव टू एक्स होता है. टू एक्स ये आंसर है. तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन इसका डेरिवेटिव कॉस एक्स स्क्वायर टू एक्स होता है. ठीक है, अब बात करते हैं ये हमने देखा कि एक बार डिफरेंशिएशन को इस तरह से कर रहे हैं. अब क्योंकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डेरिवेटिव करने की प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे. जो किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं. और ये जो डिफरेंशिएशन है ये एक तरह का फंक्शन है. हमने पहले मैंने एक जगह बोला कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और लीनियर ऑपरेटर जिसे बोलते हैं ये लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है. वहाँ पर ये टर्म्स वहाँ आएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ऑपरेटर. तो तुम लोग देखोगे ये लीनियर अलजेब्रा में. तो मैंने बोला ये जो डेरिवेटिव है डिफरेंशिएशन ये क्या है? ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है लीनियर ऑपरेटर है. ठीक है, जो क्या करता है इस तरह का ऑपरेटर है. मान लो मैं ऑपरेटर मतलब एक फंक्शन है जी, उसमें मैं अगर
एफ अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो वो मुझे एक डेरिवेटिव देता है, वो मुझे एफ डैश देता है, डी बाई एफ डैश का मतलब मेरे पास क्या है, एफ डैश एक्स मतलब मेरे को देता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ, ठीक है। अब ये फिर से मुझे ये जो एफ डैश मिले ये फिर से एक फंक्शन है, अगर मैं इस एफ डैश में फिर से थी अप्लाई करूं, ये जी मैंने बोला डिफरेंशिएशन है, जी क्या है डिफरेंशिएशन ट्रांसफॉर्मेशन या डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, ठीक, अगर मैं फिर से इसको एफ डैश में अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को क्या देगा ये, मैं इसको इस फॉर्म में लिखा तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डैश, और इसी को मैं ये लिख सकता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स एफ एक्स, जिसको हम लिखते हैं क्या डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएशन करा, अगर इसी को मैं एक और बार इस पर मैं डबल डैश में अप्लाई करूं इस डिफरेंशिएशन को, तो मुझे क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं डी, इससे डिनोट करते हैं, सॉरी यहां पर क्या होगा क्यूब, ठीक है। इस प्रोसेस इसको हम हाई डेरिवेटिव का नाम देते हैं, इन सबको ये डबल डेरिवेटिव है, ये ट्रिपल डेरिवेटिव है, ऐसे ही हम एन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो अगर जी ऑफ एफ ऑफ एन माइनस वन में नाम दूं तो मुझे क्या मिलेगा डी बाई डी एक्स ऑफ डी एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन एफ इक्वल टू, बताओ तो यह आएगा डी एन एफ अपॉन डी एक्स माइनस एन, ठीक है। तो हमेशा तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, एक पहले एक फंक्शन में डिफरेंशिएशन करा तो हमें एफ डैश मिला, फिर उस एफ डैश में फिर से वो एफ डैश फंक्शन है उसको फिर से डिफरेंशिएशन करा तो हमें एफ डबल डैश मिला, और बढ़ते गए तीसरी बार उसको डिफरेंशिएशन अप्लाई करा तो फिर से हमें ट्रिपल डैश या डी क्यूब एफ बाई डी एक्स क्यूब मिला, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे, तो इनको एन डेरिवेटिव कहते हैं, ये लास्ट वाला जो है ये एन डेरिवेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक फंक्शन लूं साइन एक्स एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम जानते हैं क्या होता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव होता है एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करें तो इसका मतलब एफ डैश को ही एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे ये इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी एफ बाई डी एक्स, एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर, इसे मैं एफ डबल डैश एक्स भी कह सकता हूं, और ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक बार और करते हैं इसको, लिख सकते हैं इस फॉर्म में ट्रिपल डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, एक बार और करें इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूं दिस इज इक्वल टू साइन एक्स एंड सो ऑन। देखो पहले वाले केस में एफ एक्स साइन एक्स था कॉस एक्स रहा, सेकंड में माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये चेंज हो रहा है हर बार साइन एक्स माइनस साइन एक्स, और इस प्रोसेस को हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन हो रहा है इसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और हायर डिफरेंशिएशन, इसको हायर डेरिवेटिव भी नाम कह सकते हैं इसको, और हायर डेरिवेटिव और हायर डेरिवेटिव। हायर डेरिवेटिव में ये सब इजी चीजें हैं, इसमें एक हमने लिबनीज रूल पढ़ा प्रोटेक्ट रूल,
दो जब दो फंक्शन हो उनको डेरिवेटिव करने का रूल को हम लिबनिट्ज रूल कहते हैं। एक बार डेरिवेटिव का रूल हमें मालूम है, अगर उसे दो बार करना हो, तीन बार डिफ्रेंशिएट करना हो, तो लिबनिट्ज ने एक जनरल रूल दिया, लिबनिट्ज ने एक जनरल रूल दिया जिसे लिबनिट्ज थ्योरम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? लिबनिट्ज थ्योरम। वहां पर दो फंक्शन हैं, लिबनिट्ज रूल, लिबनिट्ज थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है इफ u एंड v दो फंक्शन है, u और v x के, इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस, ऑफ ए वेरिएबल x, सेम वेरिएबल x के दो फंक्शन है, तो उसके nth डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला देती है, देन दी nth डेरिवेटिव ऑफ uv इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है uv एट इसका एनथ डेरिवेटिव, इसको इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, दिस इज गिवन बाय यू का एनथ डेरिवेटिव इनटू वी प्लस एन यू का एन माइनस वन डेरिवेटिव एंड देन वी का डेरिवेटिव प्लस n into n minus 1 upon 2 factorial u का n minus 2 derivative v double dash and so on plus n okay n and u dash v n minus 1 plus u p n इस फॉर्मूले से दिया जाता है। अगर हम n equal to 1 देखें, for n equal to 1 u v dash इक्वल टू यहां पर यू वन मतलब यू डैश आया टू वी प्लस नेक्स्ट वाला टर्म एन वन है हमारा एन माइनस वन वो यू होगा एंड वी डैश। तो ये देखें ये सेम वही फॉर्मूला है जो हमने प्रोडक्ट रूल के लिए पढ़ा, ठीक है। इसका प्रूफ बहुत इजी है, बाय इंडक्शन हम चलेंगे और मैं चाहता हूँ कि वो तुम लोग करो, बहुत इजी ये है। इसका प्रूफ होमवर्क में देते हैं, कोई काम नहीं किया। प्रूफ यूज मैथमेटिकल इंडक्शन। ये आपका होमवर्क है। कैसे करेंगे? n इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, ठीक है। मान लेते हैं n इक्वल टू k के लिए ये पार्ट सही है, देन हमें k प्लस 1 के लिए करना है, ठीक है। तो इसको आप घर में ट्राई करिए और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप करिए, जैसे फॉर एग्जांपल इस पर बेस्ड बहुत से क्वेश्चंस हैं, जैसे फाइंड nth derivative of
nth derivative of following. Number 8, sin ax cos bx e ax sin bx sin ax sin bx. दो अलग अलग फंक्शन है, इनको आप लोगों ने डिफरेंशिएट करना है. लीबनिट्ज़ चलो, यहाँ पर हम इस लेक्चर को अभी खत्म करेंगे, नेक्स्ट में देखते हैं फिर मीन वैल्यू थ्योरम.